Sam TV presents IPL special cricket predictor powered by 1xBet में आपका स्वागत है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में आज मैच होने वाला है, वो भी एक खूबसूरत स्टेडियम में जो है हिमाचल प्रदेश की वादियों के पास धर्मशाला में HPCA स्टेडियम। इतना खूबसूरत स्टेडियम है कि यहाँ पर 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचेस भी हो चुके हैं। आज इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा ये मैच, जिस पे चर्चा करने के लिए मैं दोनों अपने गेस्ट को यहाँ इस प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो है गुरशरण सिंह, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जिनके बारे में 1983 में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था फील्डिंग के लिए, साथ ही 298 नॉट आउट अगेंस्ट बंगाल के उन्होंने रन बनाए थे। सर, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच दामिनी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और साथ ही मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं नॉयल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया। सर, बेस्ट फील्डर हैं कंट्री के, ऑलराउंडर प्लेयर, और साथ ही 207 अगेंस्ट आंध्र इन्होंने रन बनाए थे। आपका भी स्वागत है। थैंक यू दामिनी, थैंक यू वेरी मच। दो दिग्गज प्लेयर आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है इस इंटरेस्टिंग मैच पे डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर इस प्रोग्राम के एंड में कई सारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप दोनों से। बहुत बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू जी। आज का मैच होने जा रहा है धर्मशाला में HPCA स्टेडियम। पहले स्टेडियम से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टेडियम इतना खास है अपने आप में कि आकर्षण का केंद्र रहा है। साथ ही यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, उनकी फेवरेट प्लेस है। जब जब प्लेयर्स को पता लगता है HPCA में मैच है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। गुरुपा जी, आपसे शुरू करते हैं, कुछ बताइए प्लीज इस स्टेडियम के बारे में कि यहाँ पर क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, कैसी पिच है और क्या है। एक तो सबसे अच्छा है यहाँ पे जो इनका यहाँ वेदर बहुत आइडियल वेदर है क्रिकेट के लिए। यहाँ गर्मी भी नहीं होती है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है सारे टाइम। और फिर यहाँ पे ग्राउंड, ये जो हिल के ऊपर ग्राउंड बना हुआ है, और सामने से धौलाधर हिल्स दिखती है जिसमें बर्फ पड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आई थिंक द बेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेडियम इन द कंट्री इज धर्मशाला। और इसमें मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, 40-40 दिन के NCAZ से कैंप भी लगाए हैं इधर। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभ सिमरन सारे उस कैंप में थे। फिर आगे नीतीश कुमार रेड्डी भी जो सनराइजर में, तो बहुत ही अच्छा आइडियल जगह है क्रिकेट खेलने के लिए। ग्राउंड और विकेट्स बहुत अच्छी हैं। विकेट्स में क्या है, अच्छा बाउंस है, इनिशियली फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, और ये बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है इस पे। मतलब कोई भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है, ये मेरा मानना है जी। नहीं, यहाँ की बाउंड्रीज के बारे में कुछ बताएंगे इस पूरे स्टेडियम की। बाउंड्रीज यहाँ पे ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, सॉरी नोएडा जी। सर बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है, 60-70 के बीच में होंगी बाउंड्रीज। और ये हाई एल्टीट्यूड में ग्राउंड है, तो उसमें क्या होता है, जब अच्छा ट्रेवल करता है बॉल, तो आप तभी आप देखोगे यहाँ पे चौके छक्के काफी लगेंगे। मुझे लग रहा है पहले भी लगे हैं, अभी भी मुझे लगा लगेंगे। और बहुत ही दोनों की टीमों की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, और दर्शकों को बहुत अच्छी शॉटें और बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। बट इनिशियली पहले नए बॉल से मदद भी मिलेगी फास्ट बॉलर्स जी। थैंक यू सर ये पूरा शेयर करने के लिए। नॉयल, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी विल जैक्स के बारे में कि like he had a game for the ages with Rajasthan or like Gujarat Titans, sorry, and they have scored like 100 plus off just within 41 balls. So is it a sign that he has finally found his place in the IPL? What do you think about Will Jacks? Yeah, see, it was a sensational 100. Dekhiye, ab first 50, you know, he took in on around 30 odd balls, 20 odd balls or something. The next 50 came in 10 balls. You know, that shows the skill that the young lad has, you know, Will Jacks. And I if you see the non-striker end se Virat Kohli ko agar dekha jaye to, you know, he was enjoying uski batting ko kafi enjoy kar rahe the, you know, jo lambe lambe chakke maar rahe the Will Jacks. I think other end se, I think entertainment ho raha tha Virat Kohli ki, and I think ek great partnership se khel rahe the dono.
and I feel that, you know, I won't be surprised, you know, if this guy can repeat that act again, if he's available for RCB, because, you know, World Cup squad is announced, you know, aaj agar khelo to acha rahega, and we will all be glued to the TV to watch this youngster batting, and I feel that RCB will be a great batting side on Dharamshala, because the wicket is very good. काफी अच्छी विकेट है जैसा गुरुपाल जी कह रहे थे, and I heard that you know ground को outlay नया outfield है, काफी relay करे हैं outfield को Dharamshala में, and wicket को भी relay करे, I think there'll be a true bounce on this wicket as usual. जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं तो यही है कि जैसे नोएल ने बोला, अच्छा बैटिंग विकेट मैंने भी देखा वहाँ पे, और एक चीज और बहुत अच्छी कि वहाँ पे सराउंडिंग, वहाँ पे लोकेशन, जब प्लेयर्स वहाँ जाते हैं उनको ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन वेदर इतना ब्यूटीफुल है, कई प्लेयर्स तो अपनी फैमिलीज भी लेके जाते हैं वहाँ पे, एक थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है उनके लिए, प्लेयर्स के लिए भी. बट काफी अच्छा मैच होने वाला है, खूब चौके छक्के देखने को मिलेंगे. और फिर मेरा ये भी मानना है हमेशा, जैसे नोएल भी बात कर रहे थे, कि जो भी टीम मिडिल ओवर अच्छे करेगी, जो उसमें मुझे लग रहा है पंजाब की टीम थोड़ा सा बेटर इक्विप्ड लग रही है, उनके दोनों स्पिनर राहुल चाहर और हरप्रीत बरार दोनों बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पलड़ा थोड़ा सा कुछ भी पंजाब का भारी हो सकता है स्पिन डिपार्टमेंट में. बट अदरवाइज आरसीबी, क्योंकि पहले हार रही थी, अब जब उनको लग रहा था कि हमारा जीतना, हमारा क्वालिफाई करना मुश्किल है, बहुत ही फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार वो 3-4 मैचेस लगातार जीते हैं, और आगे जाके इन दोनों में से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है. वैसे अभी बॉटम पे है, बट एनीथिंग कैन हैपन. आपने बॉटम की बात कर दिया, तो मैं यहीं पर सवाल आपसे पूछना चाहूंगी इसी वक्त कि ये दोनों ही टीम ऑलमोस्ट लाइक बॉटम में है इस सीजन में, तो क्या गलत हो रहा है यहाँ पर दोनों के साथ? आपको क्या लग रहा है दोनों टीम में क्या चीज ऐसी हो रही है जो उनको ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है, या ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इस सीजन में कि वो लगातार नीचे पे नीचे आती जा रही है? मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा प्लेयर्स को ना, एक सेटल टीम नहीं है, प्लेयर्स को ज्यादा बैक नहीं कर रहे हैं, कई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. जैसे पंजाब ने करण को ही ओपन करा दिया था, ही इज नॉट अ ओपनर, तो आपको स्पेशलिस्ट ओपनर से ही कराने चाहिए. और इसमें मैं देख रहा था दोनों टीमों में 18 से 20 प्लेयर खेल चुके हैं, आरसीबी के भी और पंजाब के भी, तो ये आपको राइट कॉम्बिनेशन मिलना ज़रूरी है. पंजाब में शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं. एक मैच में शशांक को ऊपर जब खिलाया उन्होंने 28 बॉलों में 62 रन करके मैच जिता दिया. तो ये मेरा ये मानना है कि जो परफॉर्मर है, चाहे कोई भी हो, चाहे ज्यादा नाम वाला नहीं भी, जो भी परफॉर्मर है उनको पूरा मौका दे, उनको बैक करना चाहिए. ऐसे आरसीबी में भी करण शर्मा को जैसे लेके आए, तो करण शर्मा भी अच्छा करने लगे, या त्यालवा अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है दोनों टीमों में सेटल, अब मुझे लग रहा है दोनों में अब धीरे धीरे करके पिछले 2 मैचेस से अब थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन खेल रहा है. जी ललित, यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहेंगे इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दोनों टीम्स के बारे में, तो मैं आपको चाहूंगी कि आप भी इस पर हाईलाइट दीजिए प्लीज. देखिए, अगर मैं आरसीबी के बारे में कहता हूँ तो इनिशियल पीरियड में आईपीएल के देखे तो उनकी बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नो डाउट इन देयर बैटिंग लाइनअप, बट उनकी जो वीक लिंक थी वो थी बॉलिंग. उनकी बॉलिंग अटैक काफी वीक थी, यू नो दे वर नॉट सेटल्ड, बॉलिंग नहीं थी, यू नो दे वर अप एंड डाउन इन देयर बॉलिंग. उसके लिए मैचेस काफी हार चुके हैं, बिकॉज देखिए अगर मैचेस जो भी हारे हैं आरसीबी, काफी क्लोज मैचेस से हारे हैं, जो चेस करके आ रहे हैं 1 रन से या यू नो 10 रन से मैचेस आ रहे हैं. बट अगर जब वो लोग सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो मैचेस उनकी बॉलिंग की वजह से हारे हैं. इट इज नॉट अबाउट देयर बैटिंग, बिकॉज देयर बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी है. बट लेटर ऑन पार्ट ऑफ द आईपीएल अगर आप आखिर के 3-4 मैचेस देखे तो जिस दिन से करण शर्मा यू नो केम इन टू द बॉलिंग अटैक, यू नो कंट्रोल स्पिन एक डिपार्टमेंट हुई है, यू नो दे गॉट बैक द रिदम, सिराज का रिदम वापिस आने लग गया है, यू नो देन यू नो लेफ्ट हैंडर का भी जो मीडियम पेसर है यश दयाल का जो है यू नो रिदम आना, तो दे आर गेटिंग बैक स्लोली, बट इट इज टू लेट. अगर इफ यू गो टू पंजाब, आई थिंक पंजाब की बैटिंग भी इट इज द सेम केस जैसा इनका बॉलिंग थी. अगर आप जैसा गुरु पुरुण सिंह पाजी कहे
कि यू नो फर्स्ट सिक्स ओवर्स यूटिलाइज नहीं किए, यू नो शेखर धवन जब स्टार्टिंग में थे या सिमरन जब ओपन करे, यू नो दे नेवर यूटिलाइज द फर्स्ट सिक्स ओवर्स, बट व्हेन वंस ब्रेस्टो केम इनटू द साइड एज द इंजरी के बाद, धवन की इंजरी के बाद, आई थिंक वो एक मैच जो चेस किए अगेंस्ट कलकत्ता नाइट राइडर्स के, आई थिंक दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ पंजाब यू नो टू बी अ साइड इन 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 रेकनिंग. अगर आप देखे थे फर्स्ट सिक्स ओवर लेटर 7-14 फिर आखिरी का पांच ओवर बराबर यूटिलाइज करे. आई थिंक इवन द सेकेंड मैच यू नो चेन्नई के अगेंस्ट जब चेन्नई को बीट किए, आई थिंक दे हैव डन द सेम थिंग. एंड आई फाइंड दैट यू नो दीज आर द वीक लिंक्स विच दे हैव मिस्ड ड्यूरिंग द आईपीएल इनिशियल स्टेजेस में, बट लेटर हाफ में दे गॉट बैक द रिदम एंड आई थिंक दे कैन बी इट कैन बी अ गुड मैच. थैंक यू नॉयल. आप गुरुपाल जी, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आपने पिछले वाले मैच में मुझे बताया था कि किस तरीके से सीक्वेंस में हल्का सा चेंज कर देने से गेम बेहतर हो सकता है, तो अगर आज के मैच की बात करें, दोनों कैप्टन चाहे शिखर धवन हो चाहे फैब डु प्लेसिस हो, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए प्लेयर्स वाइज में कि किसको पहले भेजें और किसको बाद में भेजें, जो आज के मैच का गेम रुख थोड़ा बदल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर हम दोनों टीम की बात करें तो कौन सी प्लेयर्स वाले? आई थिंक पंजाब की टीम में मुझे लगता है शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, और इन दोनों को मुझे लग रहा है नंबर 3, 4 या 5. पहले मतलब शुरू के 5 में इनके बैटिंग जरूर आनी चाहिए क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन है और इन्होंने मैचेस भी 2 मैच जिताए हैं इन्होंने, और बहुत ही अच्छी फॉर्म में और बहुत अच्छी हिटें मार रहे हैं, बिग हिट छक्के भी मार रहे हैं, फिर गैप में बाउंड्रीज भी मार रहे हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छा खेलते हैं. तो वहीं आरसीबी में जो है उनका ओपनिंग स्टार तो खैर अच्छा हो ही रहा है, किंग कोहली बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, फाफ डू प्लेसी भी 15-20-25 जो भी रन बनाते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाते हैं. बट उसके बाद जैसे फिर जेक्स ने एक मैच जिताया, फिर वो अगले मैच में जल्दी आउट हो गए, वो जो कंसिस्टेंसी है जो मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल भी नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो ओपनिंग के बाद जो मिडिल ओवर हैं उसमें थोड़ा सा उनको किसी को दूसरे को जो नीचे जो अच्छा कर रहा है उसको भेजेंगे तो मुझे लग रहा है इससे काफी फर्क पड़ेगा, ये मेरा मन है. महिपाल लोमर को भेज सकते हैं, नंबर 4-5 पे भेज दें तो थोड़ा कुछ भी रिजल्ट तो अभी आरसीबी का अच्छा है और बेटर हो जाएगा. जी थैंक यू सर. नॉयल, यहाँ पर पीबीकेएस की अगर मैं बात करूँ, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस पूरे सीजन में, और क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे वाली सीरीज में क्या उनको रिवॉर्ड मिलेगा, स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए, अपकमिंग मैचेस के लिए उनको तैयार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फॉर्म में है, तो आपको क्या लगता है दोनों प्लेयर्स के बारे में, चाहे शशांक सिंह हो चाहे आशुतोष शर्मा हो? देखिए ये एक रेवोल्यूशन है यंगस्टर्स का ये आईपीएल में, अगर नॉट ओनली आशुतोष या शशांक सिंह, आई नो दे आर अदर फ्रेंचाइजीज में, अगर रघुवंश को ले लो या नितेश रेड्डी को ले लीजिए, या देर आर फ्यू अदर यंगस्टर्स जो अच्छे परफॉर्म किए, यस उनको एक नॉड मिलना चाहिए. अगर अगर इंडिया बी टीम बन रही है, यू नो सेकंड स्ट्रिंग बन रही है, तो आई थिंक दिस गाइस शुड गेट अ चांस, क्योंकि जिम्बाब्वे टूर है, तो आई थिंक एक नॉड मिलना इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बिकॉज उनको जब पता चलता है इनका स्किल्स और इनका जो हायर लेवल खेलने का अपॉर्चुनिटी दिख जाता है. एंड आई फील दैट शशांक सिंह इज अ डायनामिक बैट्समैन, अगर आप देखें तो एक यू नो द वे ही बैट्स काफी कॉन्फिडेंस से बैटिंग करते हैं, यू नो पंजाब के लिए जो कौन सी भी नंबर पे भेजिए ही गेट रन, सेम वर्सेस आशुतोष से भी. आई थिंक यस आई फील दैट द सेलेक्टर्स विल बी लुकिंग अपॉन दिस गाइस एंड आई होप दे एक अपॉर्चुनिटी उनको मिले. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें नॉयल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है तो? नहीं, जो भी आईपीएल से देखिए, जितेश सिंह भी जब पीछे इंडियन टीम में आए उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया था इसलिए वो इंडिया की टीम में आए. जैसे नोएल ने बोला भी कि शशांक आशुतोष जो और भी प्लेयर्स हैं जो भी लोकल प्लेयर जो अच्छा कर रहे हैं, तो आईपीएल में अगर अच्छा करते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपना इंडियन टीम में, T20 या वनडे में. टेस्ट में भी अजिंक्य रहाणे ने जब लास्ट टाइम इंग्लैंड गए उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म में थे तो उनका वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ. तो इसमें जो भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है यंगस्टर्स के लिए कि यही नहीं है कि आप सिर्फ
अगर इंडिया इंडिया खेलने के लिए आपको रणजी ट्रॉफी या उसी में अच्छा करना पड़ेगा, बट आईपीएल में अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ने का जरूर चांस है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू गुरुशरण सिंह जी और थैंक यू नोएल डेविड यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए और सारे पॉइंट शेयर करने के लिए आज यहाँ पर। देखने वाली बात होगी पंजाब किंग्स या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में से आज कौन जीतेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है गेम एंजॉय करने के लिए, क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत बढ़िया व्यू है। मुझे लगता है व्यूअर्स को आज के मैच को एंजॉय करने के तरीके से देखना चाहिए, ना कि जज करने के तरीके से कि कौन जीत सकता है। क्या कहते हैं आप दोनों? Bilkul, bilkul you know, it's going to be a match to be seen, and I think public ko ek entertainment hone ka kafi acha chance hai. Yes, and entertainment and cricket goes along. तो उम्मीद करते हैं आज के मैच में कुछ बहुत खास देखने को मिलेगा। थैंक यू आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आप दोनों को और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।